उत्तर भारत में कोहरे का कहर जारी है और पूरा आसमान सफेद चादर में लिपटा है। विजिबिलिटी कम है, लिहाजा सड़क पर गाड़ियां रेंग रही हैं, लोग हेडलाइट्स जलाकर भी गाड़ी चला रहे हैं। 90 ट्रेनें बताई जा रही हैं जो देरी से चल रही हैं। 4 से 8 घंटे तक अभी भी रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं और साथ ही 4 ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। फ्लाइट्स की बात करें तो वो भी लेट हैं, 8 फ्लाइट्स बताया जा रहा है जो लेट हैं और इनमें से 4 फ्लाइट्स को रद्द भी किया गया है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ कोहरे का असर दिख रहा है अभी भी लगातार। कोहरे से ठंड भी बढ़ रही है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भले ही 2 दिन कोहरे से राहत रही हो लेकिन आज जबरदस्त फॉग देखने के लिए मिल रहा है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 40 से 50 मीटर ही विजिबिलिटी है और कई जगहों पे डीएनडी से लेके या यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ आप जाएंगे तो ये विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है, यानी कि महज 10 से 20 मीटर रह जाती है। उसी के साथ आज हवा भी चल रही है जिसके वजह से ठंड और भी बढ़ गई है, यानी कि जो न्यूनतम तापमान है वो और भी कम हुआ है। और इसी के साथ इस कोहरे की वजह से जो यातायात है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हम अगर ट्रेन की बात करें या हवाई यातायात की बात करें या रोड पे चलने वाली गाड़ियों की बात करें तो सब प्रभावित हुई है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से फॉग हवा की वजह से ये जगह जगह बढ़ता घटता दिख रहा है। आपको बता दें कि अगर ट्रेन का अपडेट आज का हम आपको बताएं तो करीब 90 ऐसी ट्रेनें हैं जिन जो देरी से चल रही हैं, 28 ऐसी ट्रेन हैं जिनको रिशेड्यूल्ड किया गया है यानी कि उनके समय में परिवर्तन किया गया है, 4 ट्रेन कल और 4 ट्रेन आज उनको कैंसिल कर दिया गया है यानी कि उनको वो अब नहीं जाएंगी। इसी के साथ अगर हवाई जहाज की बात करें तो कई ऐसी इंटरनेशनल फ्लाइट हैं जो देरी से हैं और कई ऐसी फ्लाइट हैं जो इस कोहरे की वजह से अपने समय से उड़ान नहीं भर पाई हैं। और रोड पे चलने वाले लोगों को भी मुश्किल हो रही है क्योंकि विजिबिलिटी कम होने के लिए जो लोग हाईवे पे चल रहे हैं, एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं या एनएच पे चल रहे हैं उनको इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। आप देखेंगे कि आज ये दिल्ली की सुबह है जहां पे जबरदस्त धुंध देखने के लिए मिल रही है। वहीं जो तमाम उन लोगों के लिए समस्या हो रही है जो कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा है या किसी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा है, वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो ऐसे लोग नियत समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैमरामैन राहुल के साथ सर्वेश कुमार, इंडिया 24/7 दिल्ली। चलिए सर्वेश का ही रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। सर्वेश, मौसम की मार है लेकिन इसके साथ साथ सड़क से लेकर आसमान तक यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। अभी आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे और दिखाइए जरा तस्वीरें, कुछ कोहरा छटा या फिर अभी स्थिति वैसी ही बरकरार है? जी बिल्कुल, सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कि कोहरे का आलम अगर हम बताएं आपको तो फिलहाल आप देखेंगे कितनी तेज हवा चल रही है और इस हवा के साथ जो कोहरा है वो घट और बढ़ रहा है। अभी आप देखेंगे कि ये धुंध जो आपको दिखाई दे रही है 2 मिनट के बाद ये पूरा इलाका धुंध से ढक जाएगा और यही वजह है कि कहीं रोड क्लियर हो जा रहा है तो कहीं धुंध बहुत ज्यादा हो जा रही है। फिलहाल हम डीएनडी पे हैं जो नोएडा से दिल्ली के लिए रास्ता जाता है। करीब 5 मिनट पहले ये पूरा का पूरा धुंध से भरा हुआ था और अभी जो है कि वापस से कोहरा साफ हो गया है। इस हवा की वजह से जो तापमान है उसमें काफी गिरावट आई है और आपको बताएं कि आज काफी ठंडा दिन है। अब टेम्परेचर आने के बाद ये पता चलेगा कि क्या अब तक जो ठंड पड़ी है उससे कहीं ज्यादा है या कम है। उसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि जो अभी ट्रेन की अपडेट है, करीब 100 ट्रेनें ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं, 28 ट्रेन है जिसका समय परिवर्तित किया गया है और उसके साथ ही 8 ट्रेन जो कल 4 और आज मिला के 8 ऐसी ट्रेन है जिनको कैंसिल कर दिया गया है। 4 फ्लाइट जो उड़ान थी उसको कैंसिल किया गया है। कई ऐसी फ्लाइट हैं जो देरी से हैं, सुबह की जो फ्लाइट थी उसको इसलिए कैंसिल कर दिया गया कि क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा था और वहीं जो लोग सड़क पे चलने वाले लोग हैं वो भी इससे प्रभावित हैं। आज संडे का दिन होने की वजह से ट्रैफिक जरूर कम है लेकिन अगर हम ठंड की बात करें, कोहरे की बात करें तो 2 दिन की जो राहत एनसीआर में रहने वालों को मिली थी, यानी कि कल और परसों कोहरा कम देखने के लिए मिला था। मौसम विभाग का ये कहना था कि जल्दी ही फिर से कोहरा दिल्ली एनसीआर में देखने के लिए मिलेगा तो आप देखेंगे कि आज कोहरा यहाँ पे देखने के लिए मिला है। जिसकी बात मैं कर रहा था, आप देखेंगे वापस ये जो कोहरा है वो छाने लगा है तो हवा के साथ कोहरा छट रहा है, आ रहा है और ऐसे में घातक उन लोगों के लिए है जो लोग एक्सप्रेस वे पे सफर कर रहे हैं या नेशनल हाईवे पे सफर कर रहे हैं क्योंकि कब कहां कोहरा ज्यादा हो जाएगा, कहां कम हो जाएगा। बिल्कुल सर्वेश, सुबह के 10 बजने को है लेकिन कोहरा कहीं से भी नहीं छटता दिख रहा और फिलहाल जो मौसम विभाग कह रहा है अभी जो स्थिति है वो ऐसी ही रहेगी, लिहाजा सड़क से लेकर हवाई जो यातायात है वो पूरी तरह से प्रभावित और आम लोगों की दिक्कतें अभी बढ़ती हुई ही दिख रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे। कन्नौज जिले में घने कोहरे और ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। यहां कोहरे के कारण ट्रैफिक थम गया। कन्नौज से इंडिया 24/7 संवाददाता नितिन मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम कन्नौज जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कोहरे की चादर ने पूरी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग को ढक कर रखा है। चाहे वो रेल यातायात हो, चाहे वो सड़क यातायात हो, पूरी तरह से ब्रेक लगी हुई है, रफ्तार में ब्रेक लगी हुई है। यहाँ पर जो भी यात्री सुबह निकल रहे हैं सफर करने के लिए, उन्हें खासा दिक्कतें हो रही है। 10 या 15 की स्पीड में चल पाते हैं, बड़ी गाड़ियों का डर लगा रहता है। इतना कसके कोहरा गिर रहा तो कैसे चले, सवारी कह रहे लेके चलो कैसे चले। मैं सर नोएडा से आया, सुबह से 5 बजे से यहाँ खड़ा हूँ, 7 बज गया सर, गाड़ी नहीं मिल रही मेरे को कोहरे की वजह से, कोई वाहन नहीं मिल रहा है सर। बस की बात करें और या रेल की बात करें तो कितनी लेट चल रही है? बहुत लेट चल रही है। मैं बस से उधर 6 बजे से बैठा था, 5 बजे यहाँ पर आया, 10-11-12 घंटे में बैठे, 8-5-6-7 घंटे का सफ़र है और 8-11 घंटे में यहाँ पर आया। आप देख सकते हैं कि चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो यात्री हो, दोनों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कोहरा इतना विकट है। ड्राइवर भी बहुत सावधानी पर गाड़ी चला रहे हैं, लाइट जला के गाड़ियाँ चला रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना घटे। नित्य मिश्रा, इंडिया 24/7, कन्नौज।